गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ओके? और अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है आपका लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड आपका हाई वोल्टेज एट लो करंट, इज नोन एज ट्रांसफार्मर, ओके? ट्रांसफार्मर का जो ये प्रिंसिपल होता है ये वर्क करता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? यह फिनोमिना होता है कॉइल का जो आपका प्रोड्यूस करता है करंट को इन नाइबरिंग कॉइल में ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रांसफार्मर की टू टाइप्स होती है। फर्स्ट आपकी होती है स्टेप अप और सेकेंड होती है स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है? यह वोल्टेज को अप करता है और यह वोल्टेज को डाउन करता है। तो देखिए हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है। फर्स्ट ट्रांसफार्मर, देखिए फर्स्ट ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, मींस एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो कन्वर्ट करता है आपका लो वोल्टेज एट हाई करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड आपका क्या है, हाई वोल्टेज एट लो करंट इन सेकेंडरी कॉइल। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब मैं बात करता हूं स्टेप डाउन की। तो स्टेप डाउन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप डाउन में क्या होता है, मींस एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज एट लो करंट इन प्राइमरी कॉइल, एंड हाई वोल्टेज लो वोल्टेज एट हाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके स्टूडेंट्स? तो देखिए हमारे पास क्या होता है, मींस जो ये जो ट्रांसफार्मर है, जैसे कि मैंने बताया था, यह वोल्टेज को क्या करता है, अप करता है, और यह वोल्टेज को क्या करता है आपका, यह वोल्टेज को डाउन करता है, ओके? अच्छा, जब यह वोल्टेज को अप करता है तो ये करंट को आपको क्या करता है, डाउन करता है। करंट को क्या करेगा, डाउन, और ये आपका करंट को क्या करेगा, आपका अप करेगा। करंट को क्या करेगा, अप। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट में क्या है स्टूडेंट्स, मींस ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होती है वो ग्रेटर देन होती है आपका किससे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स। तो यहां पर जो होता है आपका थर्ड क्या होता है, मींस जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन होता है आपका इनपुट वोल्टेज से, ओके? और यहां पर जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है इज ग्रेटर देन आपका आउटपुट वोल्टेज से, ओके? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहां पर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, ओके? आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस V बढ़ने के साथ साथ करंट भी आपका बढ़ता था। लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, यहां पर हम ना तो बात करेंगे आपका वोल्टेज की, ना बात करेंगे हम करंट की, यहां पर हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफर करता है एक डिस्टेंस प्लेसेस पर। तो देखिए पावर में क्या होता है, देखिए मींस जो पावर होता है,
पावर इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में आपका करंट, वोल्टेज इंटू में आपका करंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पावर को कैसे देखना है कि हमने इतना पावर यहां इनपुट में दिया तो आउटपुट में कितना होगा। सपोज कीजिए हमने यहां पर जैसे कि आपका हम दे देते हैं यहां पर 100 वोल्ट दे देते हैं यहां पर सप्लाई, हमने क्या दे दिया 100 वोल्ट दे दिया, ठीक है। अब यहां पर भी हम इसको 100 वोल्ट आती है कितना आते हैं, अगर इसका 100% एफिशिएंसी है तो यहां पर हमने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट यहां पर हमें मिलेगा, ओके। लेकिन इतना होता नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ ये पावर्स को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमने यहां पर आपका देखिए, हमने यहां पर आपका 100 वोल्ट था तो हमने क्या लिया यहां पर इसे 50 वोल्ट इंटू में आपका कितना करंट, 2 एम्पियर करंट। तो यहां पर हमारे पास कितना मिलेगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा 100 होगा। अब देखिए यहां पर 100 हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इसे उल्टा कर दीजिए। यहां पर हमने क्या ले लिया 50 एम्पियर इंटू में आपका 2 वोल्ट, यानी इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको इक्वल कर दिया, और यहां पर जितना हमें एनर्जी मिला उतना हमने वहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। मींस ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड आपका सेकेंडरी। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF, ओके, एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द आउटपुट अल्टरनेटिंग सोर्स EMF एज शोन इन फिगर। तो वर्किंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, मींस जब हम इन अल्टरनेटिंग EMF को कनेक्ट करते हैं प्राइमरी कॉइल्स में, देन आपका करंट स्टार्ट इंक्रीज इन द प्राइमरी कॉइल्स, हैंस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल, हैंस द करंट फ्लो इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, अब हम इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EML इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या होगा आपका, मींस इंड्यूस EMF इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू डी फाई अपॉन में आपका dt, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, इज इक्वल टू ns d phi अपॉन में आपका dt, इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, देन es अपॉन में ep इज इक्वल टू माइनस ns d phi अपॉन में dt माइनस np d phi अपॉन में dt, माइनस से माइनस कैंसल, एंड ये कैंसल आपका d phi अपॉन में dt से d phi अपॉन में dt कैंसल। तो बचा क्या आपके पास, मींस ns अपॉन में आपका np। अब देखिए आपका ध्यान से स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, es अपॉन में ep इज इक्वल टू ns अपॉन में आपका np विच इज इक्वल टू k, एंड k क्या होता है आपका, द k इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। k क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मर रेशियो।
ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपका देयर फोर जब के आपका लेस देन होता है वन से, तो आपका देखिए मीन्स एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, एंड आपका ई एस इज लेस देन ई पी। ओके, अब देखिए जब आपका के ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है वन से, मीन्स एन एस ग्रेटर देन एन पी एंड ई एस ग्रेटर देन ई पी। ओके, ये होता है आपका स्टेप डाउन के लिए और ये होता है स्टेप अप के लिए। ओके, फोर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए देखिए, फोर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। इट मीन्स ई एस आई एस इज इक्वल टू ई पी आई पी। देन ES अपॉन में EP इज इक्वल टू IP अपॉन में IS। ओके, तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था आपका, मीन्स ES अपॉन में EP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP इज इक्वल टू IP अपॉन में IS। And this is called transformer. Okay, students. Students, channel को like और subscribe कीजिए. Thank you very much.